हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपने कंसीव कर लिया है, तो आपके प्राइवेट एरिया में कुछ ऐसे ज़रूरी खास बदलाव आते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका गर्भधारण सक्सेसफुली हो गया है। मैं आज की इस वीडियो में ऐसे खास पांच बदलाव बताने जा रही हूँ आपको, जो कि आपके प्राइवेट एरिया में आपको दिखाई देंगे, आपको महसूस होंगे, जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका गर्भधारण हुआ है। जैसे कि प्रेगनेंसी के बाकी सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में अंदर हो रहे होते हैं उसकी वजह से जो आपके को ऊपर से अपने शरीर में बदलाव महसूस होते हैं, उसी तरह से बदलाव आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी होते हैं। ये कुछ खास ज़रूरी बदलाव होते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है, पता चल जाता है कि आपका सक्सेसफुल गर्भधारण हो गया है, वो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही दिखने लगेगा। जिन लोगों में हार्मोन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, उनके मतलब बॉडी में कम हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, SCG हार्मोन का लेवल ज़्यादा नहीं होता है, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है ये सिम्टम्स समझने में। जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी कुछ लोगों का प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, इसका मतलब होता है कि उनकी बॉडी में beta-CG हार्मोन का लेवल कम है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरह से सिम्टम्स भी समझ में नहीं आ पाते हैं। मगर ऐसा सिर्फ 20% केसेस में ही होता है, 80% वुमेन्स को सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो पांच जरूरी सिम्टम्स के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, आप भी चेक करिए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपका गर्भधारण हो गया है। तो अगर आपका गर्भधारण हो जाए, आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। जो पहला लक्षण दिखाई देता है आपके प्राइवेट एरिया में, वो तो होता है सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस आता है वो बहुत पतला सा होता है, पानी जैसा होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी सबके अलग अलग होते हैं। किसी को यही म्यूकस थोड़ा गाढ़ा भी आता है, सबका केस एक जैसा नहीं होता है, सबके प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी ने आपको बताया है कि गाढ़ा म्यूकस आता है तो आपको भी गाढ़ा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी के केस में गाढ़ा म्यूकस आता है तो किसी के केस में थोड़ा पतला म्यूकस आता है, कई बार कलर भी चेंज होता है। कुछ लोगों को हल्का येलो कलर का भी म्यूकस आता है जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का म्यूकस भी होता है जो एकदम पतला सतार जैसा बन जाता है खींचने पर। इस टाइप के म्यूकस आते हैं, इस टाइप का वजाइनल डिस्चार्ज होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आपको पहले तो अपने वजाइनल डिस्चार्ज पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ये डिस्चार्ज आपके पीरियड डेट के पहले भी होता है और पीरियड डेट के बाद भी हो सकता है, बस आपको नोट करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस टाइप का डिस्चार्ज आपको आ रहा है। इस डिस्चार्ज से भी आप अपने प्रेगनेंसी कन्फर्म कर सकती हैं। दूसरा जो चेंजेस आता है आपके प्राइवेट एरिया में, वो होता है आपकी यूरिन की वजह से। एक तो आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको यूरिन ज़्यादा आने लगता है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है। थोड़ा भी पानी पिएंगी आप, लेकिन यूरिन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ता है। इसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आप यूरिन रोक नहीं पाते, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने जाना होता है, आपको बार बार पेशाब आती है। लेकिन साथ ही इसके साथ ही साथ आपके यूरिन में बदलाव भी आ जाते हैं, यूरिन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें पीलापन ज़्यादा हो जाता है, कुछ स्मेल भी उसकी चेंज हो जाती है। इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, आप अपने यूरिन को देख करके यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो तेज हो जाएगी कि आपको जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ेगा, और साथ ही आपके यूरिन का कलर और उसकी स्मेल भी बता देते हैं कि आपका सक्सेसफुल गर्भधारण हो गया है। तीसरा जो सिम्टम होता है आपके प्राइवेट एरिया में चेंज का, कि आपके वजाइना में जो है थोड़ा सा आपको खिंचाव महसूस होगा, हल्की सी हो सकती है आपको चुभन महसूस हो। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब यूट्रस में जाकर के एम्ब्रियो, यूट्रस की लाइनिंग से जाकर के एम्ब्रियो चिपक जाता है, तो वो जो यूट्रस होता है हमारी बॉडी में, वो हमारे वजाइना के जस्ट ऊपर ही फिट होता है। तो जब वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस की लाइनिंग में चिपकता है, तो जब वो चिपकता है वहाँ पे, तो आपकी नाभि के नीचे हल्के से आपको क्रैम्प्स महसूस होते हैं, हल्का सा मरोड़ पेट में दर्द टाइप का महसूस होता है। तो क्योंकि वो हमारे वजाइनल एरिया से जस्ट चिपका हुआ होता है बच्चेदानी का, तो उस खिंचाव, उस
दर्द की वजह से आपको आपके वेजाइनल एरिया में भी दर्द महसूस होता है, तो ये बहुत हल्का होता है। कुछ लोगों के केस में ज़्यादा भी होता है, सबके केस में, सबके केस जैसे कि मैंने कहा एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के केस में ये दर्द हल्का होता है, माइनर सा होता है, तो कुछ लोगों के केस में ये दर्द ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा जो आपको सिम्टम्स दिखाई देगा कि आपको, आप जिस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, बहुत सारे लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, उनको डिस्चार्ज कई बार पिंक आता है और कई बार उनको डार्क ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज आता है, तो वो डिस्चार्ज भी आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है कि किस तरह का डिस्चार्ज आपको हो रहा है। जिस तरह का डिस्चार्ज आपको हो रहा है वो प्रेगनेंसी का ही लक्षण होता है, खासकर जो प्रेग्नेंट होने पर डिस्चार्ज होता है वो पिंक होता है या फिर ब्राउन होता है, तो इससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका गर्भधारण हो गया है। और आखिरी जो सबसे आखिरी सिम्टम होता है वो ये होता है कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो आपका सर्विक्स है बहुत सॉफ्ट हो जाता है उसका मुंह। आप फिंगर टेस्ट करके भी देख सकते हैं, फिंगर टेस्ट कैसे करते हैं इस पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने फिंगर को क्लीन करके, एकदम आप अपने फिंगर से चेक करके देख सकते हैं कि जब आपके सर्विक्स जो है, आपके उस सर्विक्स का जो माउथ है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज भी आ रहा होता है, तो इससे भी पता चल जाता है कि आपका गर्भधारण हो गया है। क्योंकि नॉर्मल डेज में वो सर्विक्स जो है वो हार्ड होती है, वो सॉफ्ट नहीं होती है, लेकिन जब गर्भधारण होता है तो उस टाइम पर वो सॉफ्ट हो जाती है, तो इससे भी पता चल जाएगा आपको कि आपका गर्भधारण हो गया है। तो ये जो पांच खास मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं, ये आपके प्राइवेट एरिया में पांच ये बदलाव होते हैं जबकि आपका गर्भधारण हुआ होता है। अगर ये पांच बदलाव आपको भी दिख रहे हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और अब आप माँ बनने के लिए तैयार हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, आपकी हेल्प से शायद किसी और को भी माँ बनने का सुख मिल सके। तो चलिए मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, और खुश रहिए, मस्त रहिए।